में लालू से ज्यादा तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार खुश नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि नीतीश तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी मान चुके हैं। इस बात का अंदाजा नीतीश के आज के बयान से लगाया जा सकता है। आज उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा और कह दिया कि ये बच्चा ही हम लोगों का सब कुछ है। सीएम नीतीश कुमार शनिवार की सुबह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने मुख्य सचिवालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। हम आपको नमन करते हैं, कुछ नहीं, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ही हम लोग का साथ ये सब कुछ है, अब क्या बात करते हैं। हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। हम कहे के लिए कहीं किसी को कह रहे हैं, हम आपके साथ उसका भी बयान देते हैं, नहीं हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। अरे थोड़ा मांग रहा है परमिशन जाने का, देख लीजिए। अब आप आज भी हम जितना बोल रहे हैं इसको नहीं छापिएगा, आप तो कुछ और छापिएगा। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी से दोस्ती वाले बयान पर सफाई भी दी। सीएम ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। मेरे कहने का मतलब बीजेपी के साथ का बिल्कुल नहीं था, मेरे कहने का मतलब था कि जो काम हुआ है उसे याद रखिए। इस दौरान उनके साथ बगल में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। नहीं तो बेचारे प्रेस वाले तो पहले बहुत चीज छापते थे, अब आजकल सब पर रोक लगा दिया कि खाली हम कह रहे थे, अब बीजेपी का भी बैठा हुआ था तो कह दिया कि नहीं हम आपके साथ, अरे हम साथ हैं कि आप जो हम इतना काम किए, किसी के कहने पर काम किए, मेरी इच्छा थी ना, आप जान लीजिए ये मेरा व्यक्तिगत संपर्क है, मेरी इच्छा है, और उसमें वो लोग सब सहयोग में थे। तुमको कहे कि इसको भूलना नहीं, याद रखना कि कितना ज्यादा काम यहाँ हुआ, यही हम बोले, लेकिन क्या उल्टा पुल्टा छपा। तब अगले दिन तो हम फिर दोबारा गए तो हमने फिर भाषण में दे दिया नहीं, यहाँ हमने कहा कि ठीक है भाई मेरा मत छापिए। तेजस्वी यादव को लेकर सीएम नीतीश कुमार के इस बयान पर फिर बयानबाजी होना तय है, इसके कई मायने निकाले भी जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी से नाता तोड़कर गठबंधन के साथ सरकार बनाने के कुछ महीने बाद ही नीतीश कुमार ने कहा था कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब एक बार फिर उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी यादव ही सब कुछ है। वहीं बीजेपी नीतीश के इस बयान को लेकर हमलावर है।